गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू नो इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच नेम वॉज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द प्रोसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट द वी कैन फॉर्म द कंपनी. And after the satisfaction of the formalities, the registrar will issue a certificate of incorporation. Now, we have discussed the effects of the certificate of incorporation, in which we have discussed that the certificate of incorporation is the conclusive evidence of formation of company, whether you are fulfilling the formalities or not. So, we have completed the two stages of formation of company. The first is promotion and the second is incorporation. Now we are doing the third activity or the third stage of formation of company, which is capital subscription. So students, before starting capital subscription, I want to tell you that there are two types of companies. Public and private. As we know, a private company cannot invite general public for capital subscription. So only public company can invite general public. So in private company only members will contribute capital, and in public company public will contribute capital. Is it clear? So as we know कि जब private company को public से capital लेनी ही नहीं है, तो क्या private company को third stage पूरा करना जरूरी है? No, there is no requirement of there is करनी ही नहीं होगी. That means after receiving the certificate of incorporation, a private company can start business. Is it clear? Now अब हमें पता है कि public company को क्या चाहिए, capital चाहिए, और वो भी किससे? General public से. तो इसे third stage पूरी करनी होगी. तो जो third stage हमने बना रखी है, इसका नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन. वो किसके लिए होगी? पब्लिक कंपनी के लिए. इज इट क्लियर? सो अ पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय मीन्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स. फॉर डूइंग द सेम, it has to issue a prospectus which is an invitation to the public to subscribe to the capital of the company. ki ab jo public company hai wo shares aur securities issue karke public se fund generate karne ka kaam karegi through shares and securities, aur public ko invite karegi ek prospectus issue karke. theek hai ki aap hum aaiye aur hamari company ki capital le lijiye aur other formalities puri kar dijiye. सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक. कि हम जो स्टेप्स बता रहे हैं, ये स्टेप्स आपको पूरे करने होंगे. द फर्स्ट इज सेबी अप्रूवल. क्या करना होगा आपको? सेबी अप्रूवल. सेबी मीन्स Securities Exchange Board of India. Securities Exchange Board of India. So SEBI, Securities Exchange Board of India, which is the regulatory authority in our country, has issued guideline for the disclosure of information and investor protection. Ki business law or
के लिए देखो, हर चीज़ के डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने कुछ गवर्निंग बॉडीज़ बना रखी है, कुछ अथॉरिटीज़ बना रखी है। वैसे ही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ या जिसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, उसकी जो गवर्निंग या रेगुलेटरी बॉडी बनाई है ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, ताकि इन्वेस्टर्स का राइट जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, मार्केट में फेयर ट्रेड हो, तो इन सब के लिए जो हमने रेगुलेटरी बॉडी बना रखी है उसी का नाम है सेबी या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो है, ये शेयर्स जब आप इशू करना चाहेंगे तो इसके इन्होंने गाइडलाइंस इशू कर रखी है कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन या डिस्क्लोजर्स मतलब बताना होगा इन्वेस्टर्स को कि आप क्या करने वाले हैं। अ पब्लिक कंपनी इन्वाइटिंग फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक मस्ट टेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कि हम बात करें कि जो पब्लिक कंपनी लोगों से फंड इन्वाइट कर रही है, उन्हें ये सारे एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने ही देने होंगे जो कि जनरल गाइडलाइंस में बता रखे हैं, ठीक है। एंड मस्ट नॉट कंसील एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है जानना इन्वेस्टर्स के लिए, आपने कंसील नहीं करेंगे, छुपाएंगे नहीं। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। कि जो इंसान कैपिटल लगा रहा है उसे आपके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग अहेड विथ रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक। इसीलिए प्रायर अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं कि हमें सेबी की अप्रूवल लेनी ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक से फंड जनरेट हों तो। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस ऑफ स्टोर स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कि हम बात करें कि हमें अगर पब्लिक से फंड्स लेने हैं तो हमें एक प्रॉस्पेक्टस फाइल करना होगा। प्रॉस्पेक्टस मीन्स एन स्टेटमेंट विच कंटेन्स ऑल द डिस्क्लोजर, ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन। सो एंड दिस स्टेटमेंट हैव टू बी फाइल्ड विथ ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अ प्रॉस्पेक्टस इज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज एन प्रॉस्पेक्टस। कि प्रॉस्पेक्टस का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, देखो हमारी जो है ना थोड़ा कंपनी लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन देते हैं, कि इनके हिसाब से प्रॉस्पेक्टस का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे प्रॉस्पेक्टस डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस का जिसे फॉर्म में डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, ये सब हमारे इसी के पार्ट है। और इसमें हम ये सब इसलिए दे रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि जो पब्लिक है हम उनसे फंड्स को इनवाइट कर सकें फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉरपोरेट, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स को पूरी नॉलेज मिल जाए जो वो शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदने वाले हैं। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट इज इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी और टू मेक डिपॉजिट इन द कंपनी। कि अब हम इन्वाइट कर रहे हैं ताकि वो लोग पब्लिक में पैसा इन्वेस्ट करें थ्रू शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। इन्वेस्टर्स मेकअप देयर माइंड अबाउट इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। एक सीधी सी बात है कि चाहे कंपनी हो चाहे कहीं और जगह, अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम सीधी सी बात कहते हैं कि हमें पूरी नॉलेज चाहिए कि आप क्यों चाहिए पैसा, क्या प्रोडक्ट बेचेंगे, आपका काम क्या होगा, आप रिपोर्ट किसे देंगे, सब कुछ हमें पता होना चाहिए तभी तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि डिसीज़न तभी लिया जाएगा कि हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हमें सपोज़ कुछ पता ही नहीं है तो हम पैसा, हमारा जो मनी है, जो हमारी सेविंग्स है, अब उसे इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे।
क्योंकि जो हमने सेविंग्स किए बड़ी मेहनत से किए, हम चाहते हैं कि वो सिक्योर रहे, इसके लिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देयरफॉर देयर मस्ट नॉट बी अ मिस स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस, इसीलिए आपका जो प्रॉस्पेक्टस होगा उसमें कुछ भी मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। एंड ऑल मटेरियल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फुल्ली डिस्क्लोज, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप फुल्ली डिस्क्लोज करें। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर, ध्यान से समझना। हमें पता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं या वाइड स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, ये बात हमको पता है। तो क्या फिजिकल फॉर्म में कैश रिसीव करना पूरे नेशन वाइड इन्वेस्टर से पॉसिबल है? नो। ये पैसा आएगा हमारे मर्केंटाइल बैंकर्स के थ्रू। अगर आपको याद हो तो प्रमोशन में हमने एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया था, वहाँ हमने मर्चेंट बैंकर को भी अपॉइंट कर लिया था, ठीक है। तो जो बैंक होते हैं उनके पास हमारे अकाउंट्स होंगे, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन होंगे। रेजिंग फंड फ्रॉम द पब्लिक इज अ स्टपेंडस टास्क, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड बाय द बैंकर्स ऑफ द कंपनी, कि जिन बैंकर को हमने अपॉइंट किया था प्रमोशन स्टेज में, अब उनके थ्रू हम पब्लिक से एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। द ब्रोकर ट्राई टू सेल द शेयर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द फॉर्म्स एंड एनकरेजिंग द पब्लिक टू अप्लाई द शेयर। जैसे कि ब्रोकर, तो आपको पता है ब्रोकर मीन्स अ मिडिल मैन, जो सेलर और बायर में कॉन्टैक्ट मेंटेन करवाने का काम करता है। वो लोगों को एनकरेज करता है, पूरी डिटेल्स देता है, ताकि आप लोग गुड्स खरीदने के लिए या शेयर्स खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। और बदले में रिटर्न में कंपनी क्या करेगी, उन्हें कमीशन पे करने का काम कर देगी। इफ द कंपनी इज नॉट रीजनेबली अश्योर्ड ऑफ अ गुड पब्लिक रेस्पॉन्स टू द इशू, इट मे अपॉइंट अंडरराइटर। और कंपनी अगर नई है और उसे लगता है कि कोई गारंटी नहीं है कि ब्रोकर्स भी सेल कर पाएंगे, तो क्या करें, ऐसे केस में अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अंडरराइटर मींस कि एक ऐसे पर्सन या ऑथोरिटी या कॉरपोरेट जो ये गारंटी देते हैं कंपनी को कि आपके शेयर्स बिक जाएंगे, ठीक है, बदले में हमें कमीशन दिया जाएगा। और इनकेस अगर नहीं बिकते हैं तो हम उन शेयर्स को खरीद लेंगे जो नहीं बिके, मतलब आपको तो कैपिटल मिलेगी। तो ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या डिफरेंस हो, कि जो ब्रोकर है वो कभी इस चीज़ की गारंटी नहीं देगा कि आपका जो शेयर्स और सिक्योरिटीज है वो सोल्ड आउट हो ही जाएंगे, बट अंडरराइटर्स गिव अश्योरेंस टू द कंपनी दैट दे विल सेल द शेयर, अदरवाइज दे विल परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। Underwriters undertake to buy the shares if these are not subscribed by the public. कि अगर public subscribe नहीं करती है तो वो shares खरीद लेंगे। They receive a commission for underwriting the issue, और उनके इस process के लिए उन्हें commission भी मिलता है। Appointment of underwriters is not necessary, कि ज़रूरी नहीं है कि आप underwriter को appoint करें। वो केवल उस situation के लिए है जहाँ आपको लगता है कि public जो है वो सब्सक्राइब नहीं करेगी आपकी कैपिटल को, ठीक है। द लास्ट आज की क्लास का टॉपिक, देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा, कि देखो सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास एडिक्वेट फंड्स नहीं होंगे तो क्या हम बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्या करें। सो ऐसे केस में हमें एक काम करना है कि जो सेबी है या जो कंपनीज एक्ट के नॉर्म्स हैं, उन्होंने साफ कह रखा है कि जितनी शेयर कैपिटल आप इशू करना चाहते हो, कम से कम उसके 90% पार्ट की कैपिटल लेने के लिए एप्लीकेशन आ जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम 100 रुपीज़ की कैपिटल मांग रहे हैं पब्लिक से कम 90 रुपीज़ की कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन आ जाने चाहिए। और इनकेस अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको वो जो कैपिटल जो बाकी लोगों से रिसीव हुई है वो आपको एज इट इज़ रिटर्न करनी पड़ेगी विद इन 10 डेज।
और अगर नहीं करते हैं तो देन आपके ऊपर फाइन और चार्जेस भी अप्लाई किए जाएंगे. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप. थैंक यू स्टूडेंट्स.